क्या पॉलिटिक्स में अपने हाथ फेरने के बाद सिद्धू प्लान कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री में अपनी वापसी के लिए? आखिरकार सिद्धू को लेकर सोनी टीवी पर आने वाले नए शो में एज अ जज के किरदार पर क्या कुछ बड़ी खबर आई है? चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपको बता दूँ कि पुलवामा अटैक में जिस तरीके का बयान आया था सिद्धू की तरफ से, वेल उसके बाद ही एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ने सिद्धू पर पाबंदियां लगा दी थी और सिद्धू को कभी भी नहीं एंटरटेनमेंट दुनिया में किसी भी शो में वापसी के लिए इन सभी चीज़ों पर बैन लगा दिया था। लेकिन फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक सोनी पर एक नया शो आने वाला है जिसका नाम होने वाला है इंडियाज लाफ्टर चैम्पियन। वेल, इंडियाज लाफ्टर चैम्पियन में कहीं ना कहीं सोनी टीवी पर ये बात चल रही है सोनी टीवी से सिद्धू की कि वो एज अ जज की सीट संभाल लें। आपको बता दूं कि जिस तरीके से द कपिल शर्मा शो में सिद्धू काम करते थे, इसके बाद अर्चना पुराण काम करने लगी। अर्चना पुराण को हटाने का कपिल शर्मा के शो से कोई भी प्लानिंग नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस है कि कपिल शर्मा के शो में जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो बची नहीं हैं। भारती सिंह चली गई, इसके बाद सुमोना चक्रवर्ती भी चली गई, वहीं इसके बाद लगातार जो फीमेल कंटेस्टेंट्स हैं वो भी कपिल शर्मा के शो में अब नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कहना तो गलत नहीं है कि जैसे पिछले सीजन्स में सिद्धू हमेशा से ही एक जज की सीट पर बैठे नजर आते थे द कपिल शर्मा शो में, अब दोबारा से अर्चना पुराण को हटाने के बाद कपिल को सिंधु को इस जज की सीट पर लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सोर्सेज से खबर आ रही है कि जो एक नया शो आने वाला है इंडियाज लाफ्टर चैम्पियन, इसके कहीं ना कहीं जज बन सकते हैं सिंधु, और सिंधु की बातचीत भी चल रही है। वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या एंटरटेनमेंट एसोसिएशन सिंधु पर से बैन हटाती है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।